ओके सो हे गाइस, दिस इज एक्सप्लेन एक्स। गाइस, टेकन सीरीज में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। आई मीन कि कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज जिसका आंसर टेकन डेवलपर्स ने हमें नहीं दिया है। और आज की वीडियो में हम इन्हीं अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले टेकन 8 में हमें इनमें से कुछ मिस्ट्रीज के आंसर मिले। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दो। एंड इसी के साथ लेट्स बिगिन। लार्स मदर। लार्स टेकन 6 का एक डेब्यू प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर था, जो हिहाची मिशिमा का सन, काजुया का हाफ ब्रदर और जिन का हाफ नेफ्यू है। बट यहाँ हमें लार्स की मदर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, सिवाय इसके कि लार्स की मदर एक स्वीडन थी, इसलिए लार्स भी हाफ स्वीडन और हाफ जापानीज है। जापानीज इसलिए क्योंकि लार्स के फादर हिहाची मिशिमा भी एक जापानीज है। यहाँ लार्स की मदर के ऊपर एक थ्योरी निकल आती है, जिसमें लोगों का मानना है कि हिहाची की पहली वाइफ काजुमी की डेथ के बाद हिहाची ने दूसरी शादी की होगी, या उस वुमेन यानी लार्स की मदर के साथ एक रात गुजारी जिससे लार्स पैदा हुआ। और हिहाची ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हिहाची ये देखना चाहता था कि क्या उसके अंदर डेविल जीन है या नहीं। बट लार्स के अंदर डेविल ना होने से हिहाची समझ गया कि उसके अंदर भी डेविल जीन नहीं है, और लार्स की मदर टेकन सीरीज में बस एक मिस्ट्री बन के रह गई। स्टीव फॉक्स फादर। हम जानते हैं कि नीना द्वारा स्टीव का एक एक्सपेरिमेंट से जन्म किया जाता है, इसलिए नीना स्टीव की मदर है। बट क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी इंसान को पैदा करने के लिए एक मैन और एक वुमेन की जरूरत होती है। जहां हमें बताया जाता है कि जब नीना क्रायोस्लीप में 15 साल के लिए चली गई थी, तब नीना पर यह एक्सपेरिमेंट कर स्टीव को पैदा किया गया था। और इन्हीं सब में एक थ्योरी निकल आती है जिसमें कहा जाता है कि स्टीव काजुया का सन है। बट इस थ्योरी में मुझे जरा सी भी सच्चाई नहीं नजर आती, क्योंकि जब ये इवेंट हुआ था उस टाइम मिशिमा ज़ेबासु का ओनर हिहाची मिशिमा था, न कि काजुया मिशिमा। और मान भी लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ भी था तो जिनके जैसे स्टीव भी एक डेविल होता। और हमें इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है कि एक्चुअली में उस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था और स्टीव का फादर कौन है, ये अभी तक अननोन है। काजुया मिशिमा एंड जून काजामा रिलेशनशिप। टेकन सीरीज में या जून या काजुया से कभी भी जून या काजुया का रिलेशनशिप हमें कभी ठीक से नहीं समझाया गया है कि आखिरकार जून और काजुया के बीच हुआ क्या था। उनकी शादी हुई थी, दोनों प्यार करते थे, या फिर कोई और रीजन, ये बात अभी तक अननोन है। एंड हो सकता है कि हमें टेकन 8 में इसका आंसर जरूर मिले। काजुमी टाइगर। आपने टेकन 7 काजुमी के गेम प्ले में काजुमी को ओपोनेंट्स पर टाइगर से अटैक करता देखा ही होगा। इस टाइगर को हिहाची और काजुमी का पेट माना जाता है, जब हिहाची और काजुमी मैरिड थे। और हिहाची ने जब काजुमी को जान से मार दिया, तब टाइगर ने हिहाची पर अटैक किया था, बट हिहाची ने टाइगर को भी जान से मार दिया। वैसे इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि काजुमी टाइगर काजुमी का और हिहाची का पेट था, बट हिहाची के बैक पर इस टाइगर के सिंबल से कई लोगों का कहना है कि वही टाइगर हो सकता है जो काजुमी के पास था। ये सब लोगों का कहना है, बट ये टाइगर अभी तक एक मिस्ट्री है। अकुमा इन टेकन 7। अब ये तो सभी को पता है कि टेकन 7 में अकुमा क्यों आया था, क्योंकि उसकी जान काजुमी ने एक बार बचाई थी, और अकुमा काजुमी से किए वादे के लिए हिहाची और काजुया को मारने टेकन 7 में पहुंचा। अब यहां तक तो ठीक है, बट बात ये आती है कि अकुमा टेकन 7 में कैसे आया, क्यों आया ये तो पता है, बट कैसे आया ये हमें नहीं बताया गया है। सिवाय इसके कि अकुमा एक दिन जख्मी हालत में काजुमी के पास पहुंचा और काजुमी ने अकुमा को ठीक कर उसकी जान बचाई। बट स्ट्रीट फाइटर में ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं बताया गया है कि जब अकुमा के साथ ऐसा हुआ हो, एंड इसलिए ये भी एक मिस्ट्री है कि अकुमा स्ट्रीट फाइटर से टेकन 7 में कैसे गया, वो कौन सा मोमेंट था, ये किसी को नहीं पता। योशीमित्सु। योशीमित्सु पर भी कई सारे सवाल किए गए, जैसे लोगों को पता ही नहीं था कि योशीमित्सु कोई ह्यूमन है या कोई क्रिएचर, और योशीमित्सु हर टेकन गेम में चेंज क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन टेकन 1 से टेकन 5 तक चलता रहा, जिसके बाद बांडाई नामको ने टेकन 6 बुक आर्ट योशीमित्सु के बारे में बताया कि योशीमित्सु ह्यूमन ही है, और हर गेम में योशीमित्सु चेंज इसलिए होता है क्योंकि वो हर टूर्नामेंट में डिफरेंट आर्मर्स पहनता है। जिसके बाद टेकन क्रिएटर कैट्सुहिरो हराडा ने भी ट्विटर पर ट्वीट कर इस बात की कंफर्मेशन दी कि योशीमित्सु कम्प्लीटली ह्यूमन है। बट मिस्ट्री यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि योशीमित्सु को एक बीमारी है जो उसके बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर रही है, और बॉडी पार्ट्स को ठीक करने के लिए योशीमित्सु ने डॉक्टर बी की हेल्प के थ्रू रोबोटिक पार्ट लगवाए हैं, इसलिए योशीमित्सु पूरा इंसान नहीं है। इसलिए कई लोग इस बात को मानते हैं कि योशीमित्सु एक साइबर है, बट इसमें कितनी सच्चाई है ये एक मिस्ट्री है।
डेविल। डेविल या डेविल जिन एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसे टेकन 2 में सबसे पहले काजिया द्वारा ऐड किया गया था। सच बताओ तो डेविल जिन की वजह से ही मिशिमा फैमिली और काजामा फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और फसाद की जड़ है। गेम में हमें बताया गया है कि काजुमी से ही डेविल ब्लडलाइन आगे बढ़ काजुया और जिन तक इनहेरिट हुआ। बट मिस्ट्री यह है कि काजुमी के पास डेविल कहाँ से आया, क्या काजुमी के फादर या मदर में से कोई एक डेविल था, या दोनों ही डेविल थे, या उनकी पूरी फैमिली ही डेविल जिन कैरी करती है, या फिर काजुमी इकलौती डेविल बची थी जिसे हिहाची ने मार दिया, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। बट अगर टेकन 8 में कोई और अदर डेविल बॉस के रूप में आए तब शायद हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिले। ओके सो गाइस, यही थी आज की वीडियो एंड ऐसे और भी कई सारे मिस्ट्री थे जिनको मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया क्योंकि उन पर मैंने किसी ना किसी वीडियो में कहीं ना कहीं बात की है और कुछ पर तो मैंने अलग से वीडियो बनाई है। सो अगर आप में से कोई वो वीडियो देखना चाहता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और इस वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करना। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।